भारत में घरेलू टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है और तमाम सुरक्षा उपायों के साथ इस वक्त दूसरी श्रृंखला खेली जा रही है। यही नहीं, देश में इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का भी आयोजन हो रहा है। ऐसे में देश की चर्चित T20 लीग IPL का आयोजन भी भारत में होना तय है। BCCI के एक अधिकारी ने कहा, IPL शुरू होने में अभी एक महीने का समय बचा है, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ फैसले करने हैं। एक शहर मुंबई में आयोजन जोखिम भरा होगा, क्योंकि वहां अभी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक शहर में लीग मुकाबले कराए जाएं और दूसरे शहर में नॉकआउट मुकाबले आयोजित कराए जाएं। ऐसे में हम सिर्फ एक बायो बबल में ही पूरा टूर्नामेंट करा लेते, लेकिन अब ये तय हो गया है कि 11 अप्रैल से शुरू होने वाला ये टूर्नामेंट 5-6 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए हमें 5-6 बायो बबल बनाने होंगे। जल्द ही कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। IPL का आयोजन इस साल अप्रैल मई में होना है। BCCI अब IPL के 14वें सीजन के लिए आयोजन के लिए 4 से 5 स्थानों पर विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे शहर मैचों की मेजबानी के लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा अहमदाबाद में IPL के प्लेऑफ और फाइनल मैच होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा भी कई शहरों के नामों पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। इससे पहले मुंबई में वानखेड़े, ब्रेबोर्न, DY पाटिल और रिलायंस स्टेडियम होने के कारण वहां बायो बबल बनाकर टूर्नामेंट आयोजन होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों ने मुंबई में IPL के आयोजन की संभावना को लगभग खत्म कर दिया है। हालांकि BCCI के पास IPL आयोजन के लिए काफी विकल्प मौजूद हैं। पिछले साल BCCI को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। पिछले साल IPL का आयोजन 6 महीने की देरी से UAE में हुआ था। आपको बता दें कि लीग में 14वें सीजन के लिए हाल ही में चेन्नई में नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई है और टूर्नामेंट के स्थान और शेड्यूल को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से IPL का 13वां सीजन UAE में खेला गया था, लेकिन अब जब स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर हुई है और टीकाकरण भी शुरू हो चुका है, ऐसे में लीग का आयोजन भारत में ही होगा। फिलहाल IPL नए सीजन के लिए हाल ही में हुई नीलामी में टीमों ने 145 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर 57 खिलाड़ियों का चयन किया था। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल T20 लीग के लिए स्थानों का चयन है।